हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देख सकते हैं ब्लू स्टार का डक्टेबल एसी है, 11 टन का। लीकेज प्रॉब्लम है इसमें, देख सकते हैं डबल फैन है। ओके गाइस, ओल्ड मॉडल है, इसमें लीकेज का प्रॉब्लम है। इसको हम लोग चार्जिंग लाइन गेज लगा दिए हैं, वैक्यूम पंप रेडी है। अब इसमें हम लोग नाइट्रोजन डाल के देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लीकेज था फ्लेयरिंग पे, इसको हम लोग बना दिए हैं। ओके गाइस, अच्छे से लीकेज था, टाइट वाइट कर दिए हैं। देखिए ऑयल नीचे गिरा हुआ है और अभी और लीकेज है क्योंकि प्रेफर जो है डाउन हो रहा है। ओके गाइस, प्रेफर डालेंगे फिर अच्छे से चेक करेंगे, प्रेफर को होल्ड रखेंगे आधा एक घंटा। ये देखिए जो वॉल है, गैस डालेंगे तो ओपन करना पड़ता है, गैस चेक करेंगे तो भी ओपन करना पड़ता है, और चेक करने के बाद गैस डालने के बाद वॉल को बंद करना पड़ता है। ओके गाइस, इसका ऐसा सिस्टम है। एलंकी से गैस चार्जिंग करेंगे तो भी उसको खोलना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, चार्जिंग करने के बाद फिर उसको एलंकी से बंद करना पड़ता है वॉल। अभी ये देखिए गेज है, अभी हम लोग नाइट्रोजन डालेंगे इसमें। ये देखिए नाइट्रोजन रिफिल कर दिए 350। अभी हम लोग लीकेज अच्छे से चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ड्रायर है, ड्रायर पर सबसे अच्छे चेक कर लिए दोनों साइड, यहाँ पर लीकेज नहीं है। अभी इसको हम लोग थोड़ा टाइम होल्ड रखेंगे और चेक करेंगे कॉइल पे। ओके गाइस, ये देखिए माइनर लीकेज है, थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है, एकदम माइनर लीकेज। इसको हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं आउटडोर का इसमें कंडेंसर में, कंडेंसर कॉइल पे उसको ओपन करते हैं। ओके गाइस, ये देखिए लीकेज मिल चुका है, कंडेंसर कॉइल के यू बैंड पे है, दो लीकेज है एकदम माइनर। ये देखिए एक यहाँ पे है और एक ऊपर है। ये देखिए इसको हम लोग अभी प्रेफर रिलीज करके उड़ा के इसको अच्छे से सोल्डिंग करेंगे, ब्रिजिंग कर देंगे अच्छे से इसको। ये देखिए दोनों में लीकेज, दोनों में ब्रिजिंग करेंगे, ब्रिजिंग करने के बाद फिर से नाइट्रोजन डाल के फिर से लीकेज चेक करेंगे, फिर आधा एक घंटे के लिए होल्ड रखेंगे। ओके गाइस, देख सकते हैं अभी प्रेफर उड़ाएंगे हम लोग इसका, सब जगह लीक चेक कर लिया है अच्छे से, ऑयल गिरा हुआ था तो वहाँ पे सबसे पहले लीक मिल गया तो उसको टाइट कर दिए थे, अब वो सामने लीकेज है। ये देखिए यहीं से सिर्फ सब जगह चेक कर लिया अच्छे से, सिर्फ दो ही जगह है माइनर, ये देखिए और ये देखिए दो जगह है। इसको हम लोग अभी प्रेफर उड़ाने के बाद इसको ब्रिजिंग करेंगे, ब्रिजिंग करने के बाद फिर से नाइट्रोजन डालेंगे, उसके बाद होल्ड रखेंगे एक घंटा होल्ड रखेंगे, इसके बाद फिर वैक्यूम में लगाएंगे सिस्टम। वैक्यूम होने के बाद फिर हम लोग एक घंटा, आधा एक घंटा वैक्यूम करेंगे, बड़ा वैक्यूम पंप है 12 CFM का। इसके बाद फिर गैस को डाल 22 नंबर गैस है R22, उसको हम लोग फिर चार्ज करेंगे। ये देखिए एक्यूमलेटर और कंप्रेसर है, सक्शन एक्यूमलेटर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, वैक्यूम भी हम लोग का रेडी ही है। ये देखिए प्रेफर उड़ा दिए हैं, अभी इसको हम लोग देखिए बत्ती बुटन से इसको ब्रिजिंग कर देंगे अच्छे से, ब्रिजिंग करने के बाद फिर हम लोग प्रेफर फिर से डालेंगे। ब्रिजिंग हम लोग कर दिए हैं, वीडियो नहीं बना पाया, अकेला था, ब्रीजिंग हो गया है। ये देखिए यहीं पे लीकेज था, अभी इसको हम लोग लीकेज चेक कर लेंगे अच्छे से, लीक नहीं रहेगा तो हम लोग प्रेफर होल्ड रख देंगे। ये देखिए यहीं पे ब्रीजिंग किया है, वीडियो नहीं बना पाया ब्रीजिंग करते हुए, ब्रीजिंग हो चुका है। ओके गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए
350 प्रेफर डाल दिया है, नाइट्रोजन 350, या देखिए 350। अभी हम लोग मशीन करेंगे पैक अच्छे से, इसके बाद फिर आधे एक घंटे के लिए होल्ड रखेंगे नाइट्रोजन। मशीन को कर दिया है पैक, पत्रा लगा दिया है और ये देखिए वैक्यूम पंप को रेडी कर लिया है, प्रेफर रिलीज कर दिया है, उड़ा दिया है प्रेफर को, एक घंटे हो चुके थे। अभी हम लोग इसको वैक्यूम में लगाएंगे। ओके गाइस, इसको बीच वाले उस पर लगा देंगे मिनी फ्यूल्ड गेज के, वैक्यूम पंप चालू कर दिए हैं। देखिए कितना मॉइस्चर निकल रहा है वैक्यूम पंप से, ये देखिए वैक्यूम पंप चालू हो गया है, देखिए मॉइस्चर निकल रहा है, डस्ट जो है अंदर पाइप के अंदर। वैक्यूम एक घंटा वैक्यूम करेंगे, इसके बाद गैस चार्जिंग करेंगे। फुल प्रोसेस है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। MCB बंद है, थ्री फेस का सिस्टम है। ये देखिए अभी हम लोग गैस डाल रहे हैं, वैक्यूम हो चुका है, गैस डाल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग गैस बाटले लगाएंगे, उसको थोड़ा फ्लश कर लेंगे। अभी ये देखिए माइनस पे है वैक्यूम, इसके लिए माइनस पे है। अच्छे से इसको फ्लश करके फिर हम लोग वॉल को खोल देंगे। इसके बाद गैस डालने के बाद फिर मशीन को कर देंगे ऑन। ये देखिए गैस जा रही है, साढ़े छः सात किलो गैस जाएगी इसमें, 22 नंबर। मशीन को ऑन कर दिए हैं, ये देखिए दोनों फैन चालू हो गया है। ये देखिए रनिंग में 60-65 चल रहा है। डिस्चार्ज टेम्परेचर 250 के आसपास है। ओके गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यही है फुल प्रोसेस। ये देखिए रिटर्न भी आ गया। ओके गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।